आप अपने फ़ोन को अपडेट कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में यही सीखेंगे आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो रियलमी हो ओप्पो हो वीवो हो वन प्लस हो ठीक है आपके पास रेडमी हो चाहे ओप्पो हो ठीक है कोई भी फ़ोन हो आपके पास उसे आप अपडेट कर सकते हैं अपडेट कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा ठीक है और अपडेट करने के फायदे ये होते हैं आपका फ़ोन नया हो जाएगा एकदम लेटेस्ट फीचर आपको दे दी जाएंगे ठीक है एकदम कमाल के फीचर दे दी जाएंगे और आपका जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा पहले से ठीक है जो स्लो चल रहा था वो भी फास्ट हो जाएगा और ऐप हैं बहुत जल्दी खुलेंगे ठीक है और स्क्रॉल करेंगे आप यूट्यूब वगैरह कोई भी वीडियो देखेंगे या कहीं पर गेमिंग भी करेंगे किसी गेम में जाके तो वहाँ पर भी आपको लेग की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलिए हम बताते हैं आप अपने फ़ोन को कैसे अपडेट कर सकते हैं उसके लिए आपको देखो अपने फ़ोन का जो डाटा है उसे ऑन करना है ठीक है यानी कि जो आप अपने फ़ोन का जो मोबाइल डाटा है ठीक है नेट है उसे ऑन कर लीजिए उसका सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पे एक आइकन नज़र आ जाएगा इस तरीके से ठीक है अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे ऊपर ही एक बार दिखता है इस पर आपको डालना है सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट डालेंगे फिर आपको यहां पर शो हो जाएगा ये देख सकते हैं ठीक है अगर यहाँ पे कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है तो आपको देखो आपके फोन में ही एक यहाँ मिलेगा अबाउट डिवाइस अबाउट डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोन जिस भी कंपनी का होगा वहां पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा ठीक है तो उस पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे चेकिंग फॉर अपडेट की बोलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल ठीक है अगर आपके फोन में इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है लास्ट में आपको बताऊंगा तरीका और ठीक है तो यहां पर आपको देखना है आप वाईफाई से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए ठीक है और जैसे ही आप चूज़ करेंगे यहाँ पे आपका जो भी है ठीक है जो अपडेट है सॉफ्टवेयर अपडेट आपका फ़ोन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए इसे हम करते हैं फिर आपको बताते हैं क्या आगे आपको करना है हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं व्यूअर्स के कि वो कहते हैं कि फ़ोटो वीडियोज़ हैं या कुछ डिलीट तो नहीं हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है यहाँ पर इन्हों के जो ख़ुद मैंसन कर देते हैं कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको तो चलिए इसे हम कर लेते हैं फ़ाइनली अपडेट फिर आपको दिखाते हैं ये देख सकते हैं निन्यानवे पॉइंट नौ परसेंट यहाँ पर हो गया है अब यहाँ पे बटन आ चुका है इंस्टॉल नाव का ठीक है इंस्टॉल वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ़ोन जब ऑफ हो जाए तो आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन होगा ठीक है कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है सारा फ़ोन ख़ुद ही सेटअप हो जाएगा तो चलिए इसे हम इंस्टॉल वहाँ पर क्लिक करते हैं हमारा जो फ़ोन है स्क्रीन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी ठीक है तो फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ बिता इसी तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ फ़ोन को अपडेट करने से पहले एक चीज और आप अपने फोन का जो बैटरी है वो यहां पे 50% परसेंट से ऊपर होना चाहिए क्योंकि बैटरी ज्यादा लेता है अपडेट होने में फोन तो चलिए यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं